व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं, मैं जैसे तैसे बैग्स लेकर जा रहा हूँ। तो आज अपन फाइनली घर जा रहे हैं इतने टाइम के बाद। तो भाई वो रही अपनी फ्लाइट रो नंबर थ्री। तो अपने को जाना है रो नंबर फोर, दोनों चलेंगे, तीन चार दोनों जगह फ्लाइट है अपनी। और अपने बैग्स देखो भाई कितने। तो भाई अभी सबसे पहले चलते जाके देखते हैं अपना बैग ले रहा है क्या, क्योंकि मेरे भी तो ढाई बज रहे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ मेरा 6:30 का है। तो होपफुली बैग ले लेना चाहिए, कि बैग ले कहाँ घूमूंगा यार, इतने भारी भारी बैग्स है। तो ये रहा अपना चेक इन काउंटर, पूरा चेक इन काउंटर खाली, कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है। तो होपफुली अपने बैग्स ले ले और फिर चलते अपन आगे। ओके भाई लोग, तो अपना चेक इन हो गया, बैग्स फटाफट ले लिए, कुछ नाटकी नहीं मारा, वहां तो रुकाया था मेरे को। ओ भाई यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये देखो क्या है, मेरे को नहीं पता। और यहाँ से मस्त चॉकलेट वाली खुशबू भी आ रही है, पता नहीं कहाँ से। यहाँ पे चॉकलेट का दुकान भी नहीं है, तो आई थिंक सो इधर ही कुछ तो डाला इन लोगों ने। तो भाई लोग चलो डिपार्चर में जाते हैं। आज एक्चुअली मेरे लिए एक बहुत मज़ेदार दिन है, तुम लोगों को बताता हूँ अंदर पहुँच के। भाई वो रहा अपना प्लेन, और ये प्लेन अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये है द A380। ये है सबसे बड़ा कमर्शियल एयरलाइनर, और मुझे हमेशा से गाइस ये वाले प्लेन में जाना था, फाइनली आज मुझे इसमें जाने का मौका मिला है। भाई मेरा पूरा हाथ भरा हुआ है, पीठ पे मेरा बैग है, मेरे हाथ में ये गोनी है। तो आई थिंक अपना प्लेन भर चुका है, सब लोग बैठ गए, अपन आई थिंक लास्ट में आ रहे। ओ भाई गाइस तुम लोग को कुछ आइडिया नहीं है, आई थिंक मैंने कभी भी तुम लोगों को कहीं भी नहीं बताया कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एयरक्राफ्ट है। मेरे को ये प्लेन बहुत पसंद है, A380, और मेरे को हमेशा से जाने का था इसमें, फाइनली आज। ओ भाई अपना इधर अपर डेक ओनली A380, इसका स्पेशल डॉग्स भी होता है। भाई A380 में चढ़ने का अलग से गेट होता है, क्योंकि ये जो प्लेन है ना ये 2 माले का प्लेन है, लिटरली मतलब 747 जो है वो भी 2 माले का प्लेन है। बड़ों के साथ सिर्फ सामने का थोड़ा सा 2 माला है, इसका पूरा अक्खा प्लेन 2 माला है। आई कैन टेल यू गाइस मैं कितना खुश हुआ आज, मेरा हमेशा से इस प्लेन में आने का सपना रहा है, और आज मेरा फाइनली वो सपना पूरा हो रहा है, मैं फाइनली A380 पे जा रहा हूँ। ओ भाई हाई गुड इवनिंग, ऑलवेज वॉन्टेड टू फ्लाई इन A380, इट्स माई फर्स्ट टाइम, इट इज, थैंक यू सो मच। मेरा सीट है 93K, मेरा अपना सीट 93K। भाई इसका इसका ये कंसोल कितना बड़ा है। ओके भाई सबसे पहले जूते निकाल लेंगे और ये वाले चप्पल पहन लेंगे। नाइस। ओके भाई हेडफोन यहाँ पर रखा हुआ है, हेडफोन निकालते सिंगापुर एयरलाइंस के अच्छे क्वालिटी के हेडफोन सही है। भाई जितना बड़ा ये प्लेन है, ये प्लेन का सीट इतना बड़ा है, जब तुम इसका साइज देखो, ये जो जगह है ना ये इतना बड़ा है, मतलब मैंने इतना बड़ा कभी देखा नहीं किसी में भी। मैं बहुत सारे प्लेन्स में गया पर इतना बड़ा जगह मैंने कहीं नहीं देखा है। लोग समझेंगे ये हो गया बंदा। भाई ये टॉवल इतना ज़्यादा गर्म है, इससे धुआं निकल रहा है, मेरी फट रही है इसको मुँह में लगाने के लिए। इसको बोला है मुँह पोंछने का, इससे भाई मेरा मुँह चल गया तो क्या होगा। बट ट्राई मारता हूँ। तो अपन ने खाने का ऑर्डर दे दिया, थोड़े टाइम में अपना भोजन आ जाएगा, उड़ते ही अपने को भोजन मिलेगा। और ये जितना गर्म था ना, एक्चुअली गर्म नहीं था अपना, आई थिंक पता नहीं कुछ तो डालते धुआं निकलने के लिए, असली में गर्म नहीं इतना। क्या खतरनाक चीज़ है यार, ये सीट कितनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक मैं इतने में सो सकता हूँ। और गाइस ये प्लेन का जो विंग है वो विंग देखो कहाँ तक जा रहा है, लिटरली यहाँ से लेके यहाँ तक है। आई थिंक कैमरा में तुमको देख के समझ में नहीं आ रहा है, पर गाइस ये बहुत बड़ा है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने सुना है कि इसका जो विंग है वहाँ वो विंग टिप से लेके दूसरे विंग टिप तक इसकी साइज एक पूरे फुटबॉल फील्ड के बराबर है, मतलब जितना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड होता है ये उतना बड़ा है। तो भाई अपन अभी चल रहे टेक ऑफ की तरफ। कितना सही प्लेन है यार, बड़ा प्लेन है भाई। और देखो अंदर से समझ में कुछ नहीं आ रहा अलग क्या है, मतलब अंदर से वही है, मतलब ना मेरे को ऐसा अंदर से मज़ा आ रहा है कि मतलब ये प्लेन में मेरे को कब से जाने का था। पता है बाय द वे ये जो प्लेन है ना इसमें एक्चुअली डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, इसको बहुत सारे एयरलाइन है जो उसको भी नहीं रखने वाले। तो मेरी एक टाइम फट गई थी कि मेरे को इसमें जाना था हमेशा से, और ये डिस्कंटिन्यू हो रहा था, कोई जाने नहीं मिलेगा मेरे को इसमें। बट देन हियर वी आर ऑन द A380। आई होप सो मुझे इन लोग पीछे का सीढ़ी एक बार देखने का मौका दे, मेरे को पीछे का वो सीढ़ी देखना है जो ऊपर नीचे जाता है। हम लोग सीढ़ी से ऊपर नहीं आए थे, हम लोग डायरेक्टली हमारा एवरेज डायरेक्टली ऊपर ही आ गया था, तो मुझे सीढ़ी में जाने नहीं मिला। तो आई थिंक सो होपफुली मैं पूछ के देखूँगा उनको, अगर वो सीढ़ी पे जाने दे तो थोड़ा सा अपन सीढ़ी देख के आएंगे। भाई मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है।
ये प्लेन इतनी बड़ी है कि मेरे को एक्चुअली फील हो रहा है कि इसको ना वो उठने में ऐसा टाइम लग रहा है। इसलिए छोटे लोग ऐसा फट से उड़े जाते हैं, फट से उड़े जाते हैं। इसने जब भी ऐसा नाक ऊपर किया उसके बाद इसको उड़ने में टाइम लगा, अच्छा खासा फील हो रहा है कि इसको उठने में टाइम लग रहा है, धीरे 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 उठ रही है। ओ भाई अमेजिंग यार, क्या खतरनाक चीज़ है यार ये। ओके भाई, ट्रे टेबल निकालने के लिए हमें इसको प्रेस करना है जिससे ये बाहर आ जाएगा, फिर इसको ऐसे खींचना है, ऐसे घुमाना है और फिर हमें इसको ऐसे खोल देना है जिससे हमारा ट्रे टेबल सामने ऐसे आ जाएगा। नाइस। ओके भाई, अपने खाने का सबसे पहला कोर्स आ गया है, वो है चिकन साठे और वो सर्व हुआ है ऐसे मस्त वाले कांच के थाली में हमारे लिए। तो आ जाओ खाना शुरू करते हैं। गाइस, तो ये है अपने खाने का एपेटाइज़र, ये है सैल्मन मच्छी। ये मच्छी है यानी मच्छी के ऊपर कुछ तो है। मेरे को लगा था जो चिकन साठे दिया है वो एपेटाइज़र है, बट नहीं, ये एपेटाइज़र है। तो मुझे पता नहीं वो चिकन साठे क्या था। तो भाई अपना डिनर भी आ चुका है, अपन ने डिनर में मंगाया है ये राइस, चिकन और कुछ सब्जी है और ये वाला नहीं कहती शेज़वान सॉस लग रहा है। सॉस है भाई, ये वाला सॉस बहुत ज़्यादा तीखा है, सॉस में थोड़ा सा खाया फट गई मेरी। बड़ी खाना अच्छा है, राइस अच्छा है, चिकन अच्छा है, ये मैंने खा लिया अब तक, ठीक है शायद से अच्छा ही होगा। ऑल राइट भाई, तो आखिरकार ये रहा अपना डेजर्ट, ये है एक चीज़ केक। ये खाकर अपना आज का भोजन समाप्त करेंगे और आई थिंक गाइस खाने पीने के बाद अपन थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि इस प्लेन में पीछे एक सीढ़ी है, तब अपन पीछे जाएंगे और सीढ़ी में जाएंगे। ऑल राइट भाई, तो ये जो प्लेन है ये प्लेन लिटरली दो माले का है और अभी मैं इस प्लेन के नीचे वाले फ्लोर में हूँ। यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ से कुछ बाहर दिखने तक वाला है। तो ये जो जगह है ये है इकोनॉमी क्लास और इसके आगे है प्रीमियम इकोनॉमी और इधर से अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर है बिजनेस ऑफ फर्स्ट क्लास। तो अपन ऊपर वाले डेक में, आई थिंक मैं पीछे का दिखाऊंगा नहीं क्योंकि पीछे सब लोग खा पी रहे हैं। सो ये रहा वो सीढ़ी, जो सीढ़ी एक आगे है, एक ये प्लेन के एकदम पीछे, ठीक है एकदम प्लेन के पूंछ पे और दूसरा प्लेन के सेंटर में। तो आ जाओ इससे ऊपर चढ़ते हैं। गाइस कैन यू बिलीव इट, प्लेन के अंदर सीढ़ी है। मतलब क्या है ये, लिटरली प्लेन के अंदर सीढ़ी लगा रखा है। नाइस, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। लेजिट तुम यहाँ से ऊपर नीचे जा सकते हो। आई मीन इन लोग इसको बंद करते हैं आई थिंक इससे, बट अभी मेरे लिए खोला है, मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे बता दो। और गाइस थैंक्स टू द अमेजिंग क्रू ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस, उन लोगों ने मेरे लिए एक्चुअली खोल के दिया कि भाई तुम जाओ, तुम नीचे देखो, वीडियो बना लो बनाने का। तो बहुत मस्त है यार, ये मेरे को बहुत सही लगा। भाई सिंगापुर एयरलाइंस के क्रू इतने मस्त है कि उन्होंने मेरे को ये दोनों दिया। ये सिंगापुर एयरलाइंस की प्लशी है और ये मेल है, ये फीमेल है। मेरे को पहले मेल लाके दिया था, अब फीमेल लाके दिया, दोनों मेरे को लाके दिए। तो भाई इन्होंने मुझे ये दिया है और ये जो है ना ये सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है। तो इन्होंने ये मुझे दिया है और इन्होंने इसमें कुछ और चीज़ें भर के भी दिया है, ये कह रहे थे कुछ चीज़ें भर दिया है जिससे ये और ज़्यादा फुल हो जाए। मतलब भाई सिंगापुर एयरलाइंस का क्रू कितना मस्त है यार। भाई तो हम लोग मुंबई पहुँच गए और मुंबई पहुंच के अपना प्लेन गोल गोल घूम रहा है मुंबई के ऊपर गई, तो ये मुंबई लैंडिंग का हमें जगह है यार। मुंबई पहुंच के इधर ही गोल गोल घूमना पड़ता है, बट अपन लैंड करने आ रहे हैं। 3000 meters का अपना ऑल्टीट्यूड है और हल्का फुल्का टर्बुलेंस है, थोड़ा बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा है। मतलब बाहर कुछ दिखेगा अच्छा खासा, बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो आई गेस और 15 मिनट के अंदर ही हम लैंड कर जाएंगे। भाई अब बस लिटरली घर जाने का इंतज़ार है, मतलब मैं इतने दिन से बाहर हूँ कि मैं ऐसा वेट नहीं कर सकता कब घर जाऊंगा और घर में जाके आराम से सोऊंगा। कि भाई अपन ऑलमोस्ट अभी लैंडिंग के लिए आ रहे हैं मुंबई में, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कम हो रहा है, 3600 पर है। बाहर देखेंगे तो अपने बाहर मुंबई दिख रहा है और फ्लैप्स नीचे आ गए हैं, तो उससे समझ रहे हैं कि अभी अपन प्रॉपरली लैंडिंग करने वाले हैं। एनी टाइम अभी चक्के वक्के बाहर निकलेंगे, धाड़ धूड़ करके ऐसे चक्के निकलने की आवाज़ें आएंगी। ये निकल गए अपने लैंडिंग गियर्स और स्पीड कम हो रहा है 170, आई डोंट नो, आई थिंक ये बड़ा है क्या, थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा होगा। यूजुअली आई थिंक 130-120 के आसपास लैंड होता है, बट आई गेस इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में लैंड करना पड़ेगा। भाई फाइनली घर, फाइनली इतने दिनों के बाद फाइनली हम घर आ गए। ऑलराइट गाइस वेलकम टू मुंबई, हम पहुँच गए फाइनली घर। एक्चुअली मेरा आ जाने का प्लान नहीं था, मेरा प्लान और 3 दिन बाद था आने का, बट देन घर आ गए, अच्छा लग रहा है। और गाइस हो रहा है अपना ये 380,
क्या वो पी लेने भाई, मजा आ गया। तो भाई ऐसे मेरे पास बैग्स कम नहीं थे, इन लोगों ने मुझे और भी चीजें दी थी भाई। इसको मैं बोल सकता हूँ मेरे आज तक का सबसे ज्यादा बढ़िया फ्लाइट, मतलब इन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिया और साथ में इन्होंने मुझे टूर भी कराया इनके फर्स्ट क्लास स्वीट्स का, जो कि बहुत मजेदार है, बहुत मस्त है।